सिक्स क्लास नेक्स्ट हम कर रहे थे फैट्स, इसके अंदर इसका थर्ड कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है इसके अंदर फैट्स आर एनर्जी गिविंग, फूड ही हमें एनर्जी देती है और इनफैक्ट तीनों कंपोनेंट में सबसे ज्यादा एनर्जी फूड देता है। दे प्रोवाइड अस विद मोर एनर्जी, ये हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं व्हेन इट इज यूज्ड अप बाय द बॉडी, जब हमारे शरीर के द्वारा इसका यूज कर लिया जाता है। फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज, फैट हमेशा स्टोर भी रहती है हमारी बॉडी में ताकि हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकें। फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बोथ फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों एनिमल और प्लांट्स से हमें फैट मिलती है। फैट्स फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड ऑयल्स, जो हमें पौधों से फैट मिलती है उसे हम ऑयल बोलते हैं। शीट लाइक ऐसे बीज जैसे कि मस्टर्ड, सरसों के, सीसम के, ग्राउंडनट, इसके अंदर मूंगफली के, सोयाबीन, कोकोनट, नारियल के, सनफ्लावर, सूरजमुखी के, कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एडिबल ऑयल्स, ये खाने लायक तेल बनाने के इस्तेमाल में आते हैं। सोर्सेज ऑफ फैट्स के अंदर चीज आता है, डार्क चॉकलेट आती है, वॉलनट्स आते हैं, इसमें नट्स, कोकोनट ऑयल एंड घी सारी चीजें आती हैं, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा, जितनी भी ऑयली चीजें होती है उनमें सभी में फैट्स और फैट होती है। सोर्सेज ऑफ फैट्स में जो फ्रॉम प्लांट पौधे से मिलने वाली हमें ग्राउंडनट, मूंगफली, सनफ्लावर, सीसम, सोयाबीन, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, नारियल, वॉलनट, अखरोट, कैशू नट्स, काजू से, एवोकेडो से और पाम से हमें क्या मिलती है, इन सभी से क्या मिलती है हमें फैट्स जो प्लांट से लेती है। और एनिमल से हमें मिल्क, दूध से, मटन, फिश, बटर, एग, इन सभी से एनिमल फैट्स हमें मिलती है। बेनिफिट्स ऑफ फैट क्या है, ये प्रोवाइड करती है हमें स्ट्रेंथ टू मसल्स, हमारे मांसपेशियों को ताकत देती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट अनसैचुरेटेड फैट्स इन स्मॉल अमाउंट एज पार्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट लेना चाहते हो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि ना जमने वाली जो फैट होती है जैसे कि ऑयल होता है जो जमते नहीं है ठंड के अंदर, वो अनसैचुरेटेड फैट्स होती है, उनको थोड़ी मात्रा में हमारे भोजन के अंदर लेना जो संतुलित आहार होता है बैलेंस डाइट उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद में इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, ये हमारे जो शरीर के आंतरिक अंग इंटरनल ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर है उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बाहर से आने वाले शॉक्स मतलब झटके या चोट से, ठीक है, आउटर शॉक्स से। इसके बाद में फोर्थ है इसके अंदर दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। इसके बाद में फैट बिलो द स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ हीट, हमारे सर्दियों के अंदर फैट सबसे ज़्यादा हमें ठंड से बचाती है क्योंकि हमारी जो स्किन की लेयर के नीचे फैट की लेयर होती है वो जो हमारी रैपिड लॉस होता है हीट का उस दौरान शरीर से हीट बाहर निकलती है उसको क्या करते हैं बचा के रखते हैं, इसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फैट सर्व एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट सोल्युबल विटामिन, जितने भी विटामिन होते हैं उसमें कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते ओनली फैट के अंदर घुलकर ही अपना काम कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज और फॉर फ्यूचर यूज, और फ्यूचर के लिए एनर्जी को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा एक क्या है तरीका, फैट को स्टोर करना। डू यू नो कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा फैट का टाइप है फाउंड इन फूड जो भोजन में मिलता है एंड ऑल्सो इन अवर ब्लड, हमारे खून में भी होता है। कोलेस्ट्रॉल हैज मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण इसके काम भी होते हैं, बट हैविंग हाई लेवल ऑफ रॉन्ग टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लेकिन अगर हम अलग जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसकी अमाउंट हाई हो गई हमारे ब्लड में इंक्रीज हार्ट डिजीज रिस्क, तो हमारे जो हार्ट डिजीज है दिल की बीमारियों की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यू नीड ए मिनिमम ऑफ 10-20% ऑफ योर ओवरऑल कैलोरी इनटेक इन फॉर्म ऑफ फैट, आप 10-20% तक टोटल जो कैलोरी जो एनर्जी लेते हैं फूड से उसमें 10-20% आप फैट से लेते हैं। इसके बाद इसमें फैट्स का क्या करेंगे, आप टेस्ट करेंगे कि फूड के अंदर फैट है या नहीं, आप कैसे पहचानेंगे, टेस्ट ऑफ फैट के लिए फूड आइटम लेंगे उसको रैप करेंगे क्लीन पीस ऑफ पेपर में आप लपेट लेंगे उसको क्रश उसी पेपर में आप उसको उसे क्रश करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में उस फूड आइटम को निकाल कर आप स्ट्रेंथन पेपर उस पेपर को सीधा करेंगे इन राइट प्रॉपरली, इसको अच्छी तरह से आप सुखा लेंगे और उसके बाद उसको धूप में या कोई जो रोशनी वाली जगह है उसकी साइड में आप करके देखेंगे, अगर ऑयली पैच उसके अंदर दिखाई देता है तेल जैसा धब्बा तब तो उसमें फैट प्रेजेंट है, और अगर वो तेल जैसा धब्बा आपको दिखाई नहीं देता है ऑयली पैच तब उसमें क्या है एब्सेंट है। ये सिक्स क्लास का आज का साइंस का आपका